नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। कहते हैं कि अगर बच्चों में हुनर हो तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के इटावा में। जो हुकुम देव कुंवर महाविद्यालय इकदिल की छात्रा ने कम उम्र में कई प्रतियोगिता में भाग लेकर मुकाम हासिल किया। इटावा की रहने वाली राधिका सक्सेना ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। इटावा में चल रही इटावा महोत्सव में इस छोटी सी बच्ची ने कला दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। इटावा प्रदर्शनी में इस बच्ची को जिले में तीसरा स्थान पर सम्मानित भी किया गया है। ये बच्ची कला के साथ साथ जोड़ो कराटे भी जानती है। आज इस बच्ची ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ वाली घटनाओं से बचने के लिए स्कूल की छात्राओं को बताया कि मुसीबत में अगर हो तो हम इन जोड़ो कराटों की मदद से बच सकते हैं। कला किस तरह सीख सकते हैं? कला जो है बच्चों को, वैसे तो हर एक के अंदर कला है, हमारा तो थोड़ा सा ये रहता है उसको उजागर करना। क्या नाम है आपका? राधिका सक्सेना। राधिका, ये बताइए आपने जिले में तीसरे स्थान प्राप्त किया है, कला में कैसे कैसे क्या सीखा उसमें आपने? मैंने ड्राइंग 9th क्लास से सीखना स्टार्ट की थी। ये सर मेरे बड़े वीरेंद्र, इनसे मैंने शराय पे जाके ड्राइंग सीखना स्टार्ट किया और अभी तक सीख ही रहे हैं। बीए के अभी कुछ कर रहे हैं और अभी प्राप्त होगी और आईजीडी की भी। अच्छा, कुछ आपने कराटे के बारे में बताया है छात्रों को, छात्राओं को, तो किस तरह से कराटे से सीख के हम क्या फायदा उठा सकते हैं? कराटे से आजकल लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा है। आजकल बसों में काफ़ी कुछ चल रहा है तो लड़कियों को कराटे सीखना बहुत जरूरी हो गया है, इसी के बारे में मैंने सीखा हुआ है।